आई होप यू आर डूंगाइन दिस इज़ मी मीर वहीद एंड टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू दैक्स्ट सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री इसका पार्ट वन मैंने ऑलरेडी दिया था आपको और उसके बाद मैं नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स में बहुत ज़्यादा ये था हेल्थ ईशू था और मुझे रेस्ट रखा गया था डॉक्टर ने सो so इसलिए मैं नहीं बना पा रहा था तो uh, आज जो हैं अब मैं रिकवर हो रहा हूँ और उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ तो इसलिए अदरवाइज़ मैं पहले ही आपको ये प्रोवाइड करता बट उसकी पी मैंने आपको दी थी पूरी पी मैंने शेयर की थी जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के लिए पहले पार्ट में मैंने आपको कश्मीर की हिस्ट्री कम्प्लीट की थी अच्छे से जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे आज हम जम्मू वाला पोर्शन करेंगे और बाकी भी जितना एक दो दिनों में प्रोवाइड करूँगा इनको आपको देखना आपको ये याद हो जाएगा फिर आप एफ के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारे पास है टॉपिक ये है सोर्स ऑफ जम्मू हिस्ट्री अब हम जम्मू हिस्ट्री के ऊपर आ जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिन बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे और हमें जम्मू एंड कश्मीर जो जम्मू की हिस्ट्री कुछ बुक्स के कुछ बुक्स से हमें पता चलती है एक बुक का नाम है जिसका नाम है राज दर्शनी ठीक है राम राज दर्शनी ये इसका ऑथर कौन है आपको बोलना है गणेश दास वधेरा ठीक है गणेश दास वधेरा गुलाबनामा गुलाब नामा का ऑथर कौन है दीवान कृपा ठीक है कृपा राम उसके बाद तवारीखी डोगरा देश उसका नाम है नरसिंह दास नरगिस उसके बाद जो है तवारीखी राजगन राजगन फर्स्ट जम्मू व कश्मीर उसका नाम है ठाकुर काहू सिंह बलारिया ठीक है बलारी ठीक है उसके बाद जो है तवारीखी जम्मू हसमतुल्ल खान और उसके बाद तारीख कश्तवा सियोजी दर तवारीख अकवाम पुंज मोहम्मद मोहम्मदिन फाक राइज एंड फॉल आफ जम्मो किंगडम दैट इज़ डॉक्टर एस एस चरुख द लॉर्ड ऑफ हिल्स डेट इज जी सी समिथ ठीक है ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए सीधे याद रखना है कोड बनाकर याद रखोगे तब क्वेश्चन ठीक हो जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो यहां पर मैं मेंशन करूँगा आपको चाइनीज पिलग्रिम हुन सेंग ट्रेवल अकाउंट ठीक है सेकेंड जो है दैट इज कलाहनाज राज तरंगनी आल्सो कंटेन्स डिटेल्स अबाउट पुंछ राजौरी किश्तवा बालावार और भद्रवा एट्सट्रा और जो राजरंगनी कलहाना ने लिखी है उसमें कुछ डिटेल्स दी गई है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जैसे पुंछ हैं राजौरी हैं किश्तवार के बारे में गुलाब नामा वो आज रिटर्न इन पर्शियन जो गुलाब नामा जो है एक बुक है उसको लिखा गया है किस लैंग्वेज में पर्शियन लैंग्वेज में और उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है इंग्लिश में आपको बोलना है सर ये ट्रांसलेट जो किया है इंग्लिश में उसको डॉक्टर एस एस चरख ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है उसके बाद जमो सिटी सिटीज़ नेम, नेम सिटीज़ नेम फिगर्स इन द एशंट बुक महाभारत जो हमारे पास ए, एक एंशंट बुक है जिसका नाम है महाभारत उसमें जम्मू सिटी का नाम मेंशन किया गया है द नेम ऑफ जम्मू इज़ आल्सो फाउंड इन द मेमोरीज़ ऑफ ताइमूर जो ताइमूर की मेमोरीज़ में, में हमें ये देखने को मिलता है जम्मों का नाम वहाँ पर भी देखने को मिलता है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे अब जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा वो यहाँ से शुरू होगा लेकिन जो मैंने बुक्स और ऑथर्स बताया है यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है राजा जम्बोलोचन फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू राजा जम्बू लोचन ने किस सिटी की फाउंडेशन डाली आपको बोलना जम्मू सिटी की जूरिंग वन ऑफ हिज हंटिंग एक्सपीडिशन राजा जम्बो लोचन क्रॉस द तवी रिवर एक टाइम पे क्या हुआ है राजा जुम्बू लोचन जो है ये तवी रिवर को क्रॉस कर रहा था ठीक है हंटिंग के लिए जा रहा था वैर ही सा ए गोट जहाँ पर उसने एक गोट को देखा और एक लाइन को देखा जो एक साथ दोनों एक जगह पर पानी पी रहे थे ये किसने ये इंसिडेंट देखा ये राजा जम्बुलोचन ने देखा है वट सरप्राइज हिम मोस्ट दैट आफ्टर कंचिंग थर्स्ट द एनिमल्स वियर ऊन वे इसने देखा इस रिवर के पास इस तवी रिवर के पास जो ये दो एनिमल्स थे एक लाइन और गोट था इन्होंने देखा कि यहाँ पर इन्होंने पानी पिया है और ये अपने अपने रास्ते चले गए पानी पीने के बाद दोनों एनिमल्स अपने अपने तो रास्ते से चले गए तो दैट मीन्स इससे इस इसको इससे हैरानी हो गई थोड़ा सरप्राइज हो गया कि दो एनिमल्स एक जगह पर क्योंकि लाइन गोट को खा सकता है ना क्योंकि वो उसको ये कर सकता है खा सकता था ठीक है लेकिन ये दोनों एक जगह पर देख कर इसको सरप्राइज हो गया द किंग वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द हारमोनियम ऑफ द एरिया दैट ही डिसाइड टू से

ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जो जम्मू में थे वो कौन कौन से थे नंबर फर्स्ट आप याद रखोगे बहुलोचन ठीक है बहुलोचन जो था बहु फोर्ट ऑन द रिवर ऑफ रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तवी गोज़ टू बहुलोचन uh, एक फोर्ट है जिसका नाम है बहु फोर्ट क्वेश्चन बनेगा ये फोर्ट किसने बनाया आपको बोलना ये बोलाया है बहुलोचन ने बनाया किस रिवर के ऊपर बनाया आपको बोला रिवर तवी के ऊपर ही आल्सो फाउंडेड द न्यू सिटी इसने एक नई सिटी बनाई है जिसका नाम है दरागनी जिसका नाम है दारा नगरी ठीक है इसका नाम है दारा नगरी एक नई सिटी बनाए एंड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल देयर और उसके बाद इसने वहाँ पर अपना कैपिटल जो है ट्रांसफर किया किस सिटी में इस नई सिटी में जिसका नाम है दारा नगरी इसने बनाया है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए मगर ये ठीक है तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है राजा बहुलोचन ट्राई टू तो एक्सटेंड हिज एम्पायर टुअर्ड्स माधर देश पंजाब राजा बहुलोचन ने क्या किया अपनी एम्पायर जो थी इसकी उसको एक्सटेंड किया उसको बढ़ाने की कोशिश की और कहाँ तक पंजाब तक एंड अटैक्ड इट्स राजा एट सियालकोट बट वाज किल्ड एंड बट वाज डिफीट एंड किल्ड इसने क्या कि इसने किया इसने अटैक किया कहाँ पर जो सियालकोट का राजा था वहाँ पर उसने अटैक किया उसके ऊपर उसने अटैक किया सियालकोट में लेकिन ये मारा गया वहाँ पर ठीक है कौन राजा बहुलोचन राजा बहुलोचन राजा बहू के बाद कौन आता है जम्बू लोचन आता है राजा जम्बू लोचन इज द फाउंडर ऑफ जमुस्टी फाउंडेशन किसने डाली है जम्बूस्टी की डायरेक्ट याद रखना जमुोस्टी की फाउंडेशन जो डाली है वो डाली है किसने जम्बू लोचन ने ही वॉज द पावरफुल रूलर ये एक पावरफुल रूलर था एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू सिंध इसने अपनी एम्पायर को सिंध तक एक्सटेंड किया बाय डिफीटिंग द किंग ऑफ सियालकोट इसने क्या किया जो सियालकोट का किंग था ये वाला किंग इसको हरा कर जो था उसने पंजाब सिंध तक अपनी टेरिटरी को बढ़ाया है उसके बाद याद रखना शक्ति करण के नाम से शक्ति करण कौन था ही इंट्रोड्यूस द डोगरी स्क्रिप्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डोगरी स्क्रिप्ट किस रूलर ने इंट्रोड्यूस किया आपको बोलना है शक्ति करण ने ही एक्सटेंडेड डोमेन ऑफ जम्मू राज टू तो पीर पंजल जो भी एरिया था जम्मू एरिया इसको इसने एक्सटेंड किया और पीर पंजल बानी हाल तक फैला दिया फिर आया ब्रिजदेव ब्रिज देव की अगर हम बात करेंगे ब्रिज देव बिकेम द एलाय मोहम्मद गोरी ये एलाय बनाए इसने एलायस की है किसके साथ मोहम्मद गोरी के साथ एंड फॉट अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान फिर लड़ाई हो गई पृथ्वीराज चौहान के साथ इन्होंने लड़ाई की इन द बैटल ऑफ तार एक बैटल था जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ तारेन क्वेश्चन बनेगा कौन सा ऐसा रूलर था जिसने बैटल ऑफ में पार्टिसिपेट किया <coughs> बोल सकते हैं बीजापुर प्रेजेंट डे विजयपुर जो आजकल के टाइम पे फिर आया जोध देव जोध देव जो था वो आज द कंटेम्प्रेरी ऑफ फिरोशा तुगलक ये कंटेम्प्रेरी माना जाता है फिरोशा तुगलक का वेन द रूलर्स ऑफ कश्मीर सह फेल्ड टू किश्तवार जो देव सस्टेनड हिम एंड हिम टू रिटर्न टू द वैली जो जो रूल कश्मीर का रूलर जिसका नाम था सहदेव जब ये किश्तवार जब हम बात करेंगे इसकी किश्तवार पहुंचा जो देव ने इसको वहां पर रखा एंड उसको हेल्प की है टू रिटर्न टू द वैली और फिर ये वैली में रिटर्न हो गया बस इतना आपको याद रखना है जो देव जो था ये कंटेम्प्रेरी ऑफ फिरोशा तुगलक ऑफ दिल्ली जो फिरोशा तुगलक था दिल्ली का उसी उसी का कंटेम्प्रेरी इसको बोला जाता है फैस uh, उसके बाद आपको uh, मालदेव की अगर आप बात करेंगे राजा मालदेव वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ जम्मू सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल किंग अगर जम्मू का माना जाता है वो मालदेव इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू जम्मू की हिस्ट्री की अगर uh, हम देखेंगे हिज रेन इज़ रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड इसका टाइम पीरियड गोल्डन पीरियड माना जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा जम्मू हिस्ट्री में ही टुक नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट ये uh, Uh, बहुत सारे स्टेप्स ने लिया वेलफेयर के रिलेटेड ही शिफ्टड द कैपिटल ऑफ डोगरा राज टू जम्मू क्वेश्चन बनेगा डोगरा राज का कैपिटल जम्मू में किसने शिफ्ट किया ये मालदेव ने किया ही इरेक्टेड ए बिल्डिंग एट मंडी। uh, पुरानी मंडी ठीक है पुरानी मंडी विच वॉज नेम्ड एज माल मंडी इसने क्या किया एक बिल्डिंग इसने बनाई है वो बिल्डिंग कहाँ पर है पुरानी मंडी में और फिर उसको नाम क्या दिया गया उस पुरानी मंडी को दैट इज़ माल मंडी अब राजा इट वाज राजा मालदेव ये राजा मालदेव था हु फॉर द फर्स्ट टाइम सेट ऑन गद्दी जो गद्दी पे बैठा एंड दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूड विथ ऑल डोगरा किंग्स उसके बाद ये ट्रेडिशन जो है बाकी आने वाले डोगरा रूलर्स ने कंटिन्यू किया तो क्वेश्चन बनेगा ऐसा कौन सा डोगरा किंग था जो सबसे पहले गद्दी पे बैठा आपको बोलना है ये शुरू किया है राजा मालदेव ने तैमूर इन्वेटेड जम्मू फिर तैमूर आया उसने जम्मू को इन्वेड किया जूरिंग हिज रूल किसके रूल में जब उस टाइम यहाँ का रूल चला रहा था जम्मू में राजा मालदेव और राजा मालदेव के टाइम पीरियड में ही तयम आया एंड द डराज गेव हिम अ टफ टाइम और उसके बाद डोगराज ने इसको काफी टफ टाइम दिया है इस तयम को उसके बाद है अजब देव ठीक है राजा अजब देव वाज ए ग्रेट वॉरियर ये एज ए वॉरियर था ही मैंटेड एकॉर्डल रिलेशनशिप विध जैन दीन आफ कश्मीर तो इसने एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखी है किसके साथ जो ज़ैन वाबदीन था कश्मीर का उसके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप रखी है एंड रिमेन सेफ़ फ्राम कोखार ट्रबल्स जिसकी वजह से ये सेफ रहा किन ट्रबल से खोखार के ट्रबल्स से ठीक है थीके? उसके बाद ध्रुवदेव ध्रुदेव की बात करेंगे राजा ध्रुदेव थ्रू योग मोगल्स एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट रूलर राजा ध्रुवेव जो है ये मोगल्स ये आ, क्या रहा ये एक इंडिपेंडेंट रूलर रहा ठीक है ही गेव शल्टर टो बंदा बहादुर इसने जगह दी है पनाह दी है बंदा बहादुर को एंड हेल्पड हिम अगेंस्ट मगल्स जिसकी वजह से क्या हुआ ये मगल्स के अगेंस्ट फिर आ, 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 मतलब लड़ना शुरू किया इसने आ, ऐसा आप समझ सकते हो यहाँ ठीक है क्योंकि ये पहले ही मगल्स के अगेंस्ट था क्योंकि इसने खुद को एज एन इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर किया गया जो कि अगेंस्ट था मतलब इसने जो है छो मगल्स के अगेंस्ट आप समझो ये चला गया और जिसकी वजह से इसको शेल्टर दिया फिर बादा बंदर ने बंदा बहादुर ने और उसके बाद ये मगल्स के अगेंस्ट उन्होंने काम करना शुरू कर दिया ही कंसॉलिडेट हज टेरेटरी इसने अपनी टेरीटरी को इकट्ठे किया एंड ग्रीव इंट ए पावरफुल किंग और फिर एक बड़ा सा पावरफुल बादशाह बना ध्रु देव ठीक है ही बिल्ट द मुबारक मंडी कम्प्लेक्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा मुबारक मंडी कंप्लेक्स ने कि, को किसने बनाया आपको बोलना है इसी ध्रुव देव ने एंड शिफ्टेड हिज पैल्स फ्राम मालदेव मंडी टू ए न्यू कॉम्प्लेक्स और जो इसका पैल्स था मालदेव मंडी में वहां से उसने शिफ्ट किया कहां पर इसी न्यू कॉम्प्लेक्स में महाराजा रंजीत देव महाराजा रंजीत देव वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ जम्मू अगर हम जितने भी रूलर्स थे जम्मू के उसमें से ग्रेटेस्ट रूलर महाराजा रंजीत देव को कहा जाता है ही एक्सटेंडेड हिज रूल इन हिल्स एज वेल एज इन प्लान बोला जाएगा आपको फाइव स्टार लगा लो इसको कि ऐसा कौन सा रूलर हैं जिसने अपना रूल हिली एरियाज में भी एक्सटेंड uh, किया और प्लेन एरियाज में भी अपना रूल जो है एक्सटेंड किया वो था महाराजा रंजीत देव ही कंसोलीट ट्वेंटी टू प्रिंसिपलिटीज एंड इस्टेबल द जम्मू राज ट्वेंटी टू प्रिंसिपलिटीज ने उसने इकट्ठे किया है और उसके बाद क्या हुआ है इसने इस्टबलिश की है जम्मू राज तो जम्मू राज को इस्टेब्लिश किया अकॉर्डिंग टू राज दर्शनी अगर राज दर्शनी के हिसाब से देखा जाएगा ये बुक का नाम मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बोला है राज रंजीत देव इन्फोर्सड लॉ एंड ऑर्डर इसने लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स किया है वेरी इफेक्टिवली और एंड जम्मू वाज कॉल्ड एज दार अबाउट अ पीस जूरिंग हिस पीरियड डायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एमसीक्यू है ऐसा कौन सा रूलर था जम्मू का जिसने जम्मू को एज ए दार अमन के नाम से जाना जाता है अमन का मतलब होता है पीस अबाउट ऑफ पीस ठीक है ड्यूरिंग किसके पीरियड में रंजीत देव महाराजा रंजीत देव के पीरियड में इसने लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स किया तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है लॉ एंड ऑर्डर किसने इन्फोर्स किया महाराजा रंजी देव वॉज आल्सो ए ग्रेट सोशल रिफार्मर ही एक सोशल रिफार्मर भी था ही ऑन सती एंड फीमेल इनफेंट ठीक है इसने क्या किया है बैन सती पे जो भी जो भी सती प्रथा थी उसके ऊपर बैन लगा दिया और बच्चों को जो मारा जाता था उनको भी इसने उस पर भी बैन की हैं ही एन एमिनेंट डोगरी पॉइट एंड स्कॉलर पंडित देव एक पॉइट आप बोल सकते हो डोगी पॉइट स्कॉलर भी बो, बोल सकते हो जिसका नाम था पंडित देवदत्त स्टेड एट हिज कोर्ट ये किसके कोर्ट में था इसी किसके कोर्ट में आपको बोलना है महाराजा रंजीत देव के कोर्ट में यह था पंडित रंजीत देव पंडित देव दत्त ट्रांसलेटेड वरुण प्रभा महाभारत इनटू हिंदी तो क्वेश्चन है कि जो हमारे पास वरुण प्रभा को ट्रांसलेट किया गया महाभारत ठीक है वरुण प्रभा महाभारत जो महाभारत का वरुण प्रभा जो था उसको ट्रांसलेट किया गया किस में हिंदी में अब ये किसने किया है आपको बोलना ये पंडित देव दत्त ने ट्रांसलेट किया क्योंकि ये स्कॉलर था ये इन ट्रांसलेशन करता था महाराजा रंजीत देव देव रिफॉर्मस जो महाराजा रंजीत देव के जो भी रिफॉर्म्स थे एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी जो भी थी और ब्रेवरी और जो बड़ा बहादुर था ये मेक हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नॉट ओनली ऑन ऑफ जम्मू बट ऑफ द इंटायर नॉर्थ इंडिया अब इस इसने जो भी रिफॉर्मस लाए या जो भी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई थी या जो भी इसकी ब्रेवरी थी इसकी वजह से इसने जम्मू में सिर्फ रूल नहीं किया बा, लेकिन बाकी नॉर्थ इंडिया में भी इंटायर पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका रूल था जीत सिंह की अगर हम बात करेंगे जीत सिंह एक वीक रूलर था इट वाज जूरिंग जीत सिंह पीरियड जीत सिंह के ही टाइम पीरियड में दैट जम्मू फाइनली पास इनटू द हैंड्स ऑफ सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह फाइनली फिर जम्मू जो है ये किन के हाथों में आ गया सिख हैंड्स ऑफ सिख रूलर सिख रूल रूलर के हाथों में आ गया जिसका नाम था महाराजा रंजीत सिंह तो क्वेश्चन आपका बनेगा किसके टाइम पीरियड में कि जो भी जम्मू जो था वो सिख रूलर्स के अंडर आ गए आपको बोले जीत सिंह के टाइम पीरियड में ठीक है अब हम आगे चलेंगे जिसको हम पढ़ेंगे कि जम्मू में जो हुआ वो सिख रूल कैसे स्टार्ट हुआ उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे देखो महाराजा रंजीत सिंह जो था ये एक सिख रूलर था याद रखना जम्मू वाज कंकर्ड बाय सरदार हुकुम सिंह जम्मू को कंकर किया है सरदार हुकुम सिंह ने कैप्चर आप बोल सकते हो सरदार हुकुम सिंह ने एन एनेक्स टू सिख किंगडम और इसको किसके साथ मिला दिया सिख किंगडम के साथ मिला दिया प्रिंस खरक सिंह एक प्रिंस था जिसका नाम था खरक सिंह जो कि रंजीत सिंह का बेटा था इसी महाराजा रंजीत सिंह का बेटा था जिसका नाम था खरक सिंह रिसिव्ड जुम्मू एज ए जागीर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रंजीत सिंह का बेटा था जिसका नाम था प्रिंस खरक सिंह इसको जुम्मू मिला था कोई लड़ाई नहीं हुई कुछ भी नहीं जागीर के तौर पर इसको मिला लेकिन सरदार हुकुम सिंह ने क्या किया था इसने जम्मू को कंकर किया और फिर सिख किंगडम के साथ मिला दिया दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं माइंड में होना चाहिए गुलाब सिंह डोगरा जो गुलाब सिंह था ए डिसेंडेंट ऑफ रंजीत देव वाज द फर्स्ट इन द डोगरा फैमिली टू एंटर महाराजा रंजीत सिंह सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी अपने आप में डायरेक्ट क्वेश्चन है कि गुलाब सिंह डोगरा जो था ये पहला डोगरा फैमिली का रूलर था बोलते पहला डोगरा फैमिली से ये पहला था जो डोगरा फैमिली से बिलोंग करा था जो महाराजा रंजीत सिंह के सर्विस में आ गया ठीक है महाराजा रंजीत सिंह के सर्विस में आ गया कौन गुलाब सिंह डोगरा याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इसने अच्छी खासी सर्विस की थी विच इन्फ्लुएंस रंजीत सिंह जिसकी वजह से रंजीत सिंह जो था काफ़ी इन्फ्लुस हुआ किसकी वजह से किसकी काम की वजह से किसकी सर्विस की वजह से आपको कह गुलाब गुलाब सिंह डोगरा की सर्विस की वजह से रंजीत सिंह रंजीत सिंह को काफ़ी अच्छा लगा ये आप बोल सकते हो वो इन्फ्लुंस हो गया इसके कामों से इन सच ए वे दैट ही कंफर्ड हिम द टाइटल ऑफ राजा ऑफ जम्मू उसको फिर राजा ऑफ जम्मू का टाइटल दिया अब क्वेश्चन बनोगे कि सर किसको राजा का टाइटल दिया गया गुलाब सिंह डोगरा को राजा का टाइटल दिया गया है ये किसने दिया इसको रंजीत सिंह ने इसको क्या महाराजा रंजीत सिंह ने इसको ये टाइटल दिया गया क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने देखा कि अच्छा खासा काम करता है इसने अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड की थी इट वॉज ऑन जनवरी सिक्सटीन फिर जनवरी सिक्सटीन में क्या हुआ एटीन ट्वेंटी टू दट द महाराजा रंजीत सिंह गेव गुलाब सिंह तिलक एट अखनूर ठीक है फिर जनवरी में रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को क्या दिया है अखनूर दिया है तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना इस डेट को भी याद रखना कि ऐसा कौन सा रूलर था जिसने गुलाब सिंह को अखनूर दिया आपको बोलना है महाराजा रंजीत सिंह गेव गुलाब सिंह तिलक एट अखनूर ठीक है वंस गुलाब सिंह बिकेम द राजा ऑफ जम्मू अब गुलाब सिंह जो था यही यही कौन सा गुलाब सिंह ये ही यहाँ पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ गुलाब सिंह डोगरा अब क्या बना ये जुम्मो का महाराजा बना ये लिखा है कहाँ गया हाँ वंस गुलाब सिंह द राजा आप जुम्मो ठीक है महाराजा नहीं राजा आप जम्मू ही क्विकली एक्सटेंड हिस्स जो ही ये राजा बना उसने जल्दी में ही क्या किया है अपनी अथॉरिटी को बढ़ाया है गुलाब सिंह कंकड़ पुंछ रजौरी रियासी चनानी किश्तवाड़ कश्मीर लद्दाख बाल ये सारी एरियाज़ जो है गुलाब सिंह ने कंकर किए हैं तो इसमें याद रखना कश्मीर भी याद रखना ऐसे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो कश्मीर भी याद रखना एंड सम अदर टेरिटरीज़ फॉर द सुख सिख रूलर्स एट लाहौर और बाकी अदर टेरिटरीज़ को भी इसने कैप्चर किया गया है ठीक है क्लियर हो गया तो चीफ आर्किटेक्चर ऑफ विक्ट्रीज़ वायर अब ये जो था गुलाब सिंह की आर्मी में एक आर्किटेक्चर था जिसका नाम था जोरावर सिंह ये लिखा है द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिज विक्टीज जितनी भी ये जीत हासिल हुई उन विक्ट्रीज़ के रिलेटेड वाज जोरावर सिंह इसका मेन आर्किटेक्चर जो वो जोरावर सिंह एन एबल जनरल इन द आर्मी आप गुलाब सिंह गुलाब सिंह की आर्मी में क्योंकि गुलाब सिंह का टाइम था गुलाब सिंह रूलर था राजा था उसकी आर्मी थी उस आर्मी का जनरल जो आप बोल सकते हो या हेड आप बोल सकते हो या आर्किटेक्चर आप बोल सकते हो जोरावर सिंह था इस जोरावर सिंह की आर्मी को एक लीड करा था जनरल था आर्मी का उसकी वजह से ये सारी टेरिटरीज गुलाब सिंह ऑक्यूपाई कर पाया सॉरी कंकर कर पाया इन द मेन टाइम द सिख वॉज डिफीटेड बाई द ब्रिटिश लेकिन फिर क्या हुआ सिख रूल चल रहा था लेकिन उसके बाद सिख्स को डिफीट मिला है ब्रिटिश सर्च थे क्योंकि तब तक यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी चल रही थी इंडिया में तो फिर सिख रूल जो है इसको डिफीट किया है किसने ब्रिटिशर्स ने इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वार किस वार में फर्स्ट एंग्लो सिख एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिश और सिख का मतलब होता है सिक्स के साथ वार तो बन गए एंग्लो सिख वार एंड महाराजा दिलीप सिंह द रूलर ऑफ पंजाब उस टाइम दिलीप सिंह जो था वो रूलर था पंजाब का वाज कंपेल टू साइन ए ट्रीट विद ब्रिटिश और उसको कंपेल किया गया फोर्स किया गया कि आप ट्रीटी करो अब साइन ब्रिटिशर्स के साथ आफ्टर द एंड ऑफ द वार जो फर्स्ट एंग्लो में सिख वार खत्म हो गया द ब्रिटिश ए ट्रीटी विद गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स ने एक साइन ट्रीटी की है किसके साथ गुलाब सिंह के साथ डेट याद रखें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है मार्च सिक्सटीन एटीन में एक ट्रीटी हो रही है ब्रिटिशर्स के साथ कौन करता है गुलाब सिंह विच इज नोन इन द हिस्ट्री एज ए ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जाना जाता है क्वेश्चन बनेगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में होता है आपको बोलना ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी आप बोल सकते हो विद महाराजा गुलाब सिंह किस डेट को हुआ मार्च सिक्सटीन नाइनटीन सॉरी एटीन और ये इसी ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जाना जाता है बाई दिस ट्रीटी इस ट्रीटी से क्या हुआ गुलाब सिंह वॉज रिकोगनाइज एज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अब गुलाब सिंह को बोला गया कि आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर का महाराजा

जम्मू एंड कश्मीर एज ए स्टेट बनना याद रखना फाउंडेशन बन गई जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की हिस्ट्री हमेशा कहानी के तौर पे पढ़नी है आप हिस्ट्री को पॉइंट पॉइंट याद करके नहीं जाओगे आपको लिंक करनी है चीज़ें कहाँ क्या हो रहा था पहले फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ उस तरीके से आपको चलना है ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से ही बोलूंगा कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए याद रखना बट वो तभी आप कर सकते जब थोड़ा सा बैकग्राउंड बैक माइंड में आपको कहानी होगी द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज वॉज लेड बाई महाराजा गुलाब सिंह डोगरा जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की अगर हम बात करें इसकी फाउंडेशन डाली किसने आपको इसकी फाउंडेशन महाराजा गुलाब सिंह डोगरा देखो मॉडर्न स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की मैं जम्मू की बात नहीं करूँ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जब बना जो मॉडर्न स्टेट एट प्रेजेंट आप बोल सकते हो प्रेजेंट स्टेट या मॉडर्न स्टेट आप बोलो वो महाराजा गुलाब सिंह ने गुलाब सिंह डोगरा ने डाली है गुलाब सिंह वॉज आल्सो द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनास्टी गुलाब सिंह फाउंडर था किसका डोगरा डायनास्टी का भी एंड द फर्स्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट थी ये इसका इस प्रिंसली स्टेट का पहला महाराजा महाराजा गुलाब सिंह था द सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन द ब्रिटिश इंडिया उस टाइम पे ये सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी ठीक है ब्रिटिश इंडिया में ठीक है क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारी आ, क्या बोलते हैं उसको प्रिंसली स्टेट थी हैदराबाद हैदराबाद ये सारे थे जूनागर ठीक है गुलाब सिंह बिगन हिज करियर एज ए ट्रूपर इन द महाराजा रंजीत सिंह आर्मी अब गुलाब सिंह की कहानी मैं बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा गुलाब सिंह जो था इसने अपना करियर जो शुरू किया था वो एज ए ट्रूपर था ठीक है आर्मी में था ये इन महाराजा रंजीत सिंह आर्मी ठीक है तो महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी थी उसमें गुलाब सिंह एज ए ट्रूपर का काम कर रहा था महाराजा रंजीत सिंह कन्फर्ड हिम द टाइटल राजा ऑफ जम्मू और मैंने पहले ही बोला आपको गुलाब सिंह को नाम दिया गया एज राजा ऑफ जम्मू ये किसने दिया ये टाइटल इसको ये टाइटल रंजीत सिंह ने दिया था महाराजा रंजीत सिंह थे

बे ये अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करता गया आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजन सिंह महाराजा रंजन सिंह की डेथ होगी। 1839 में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है गुलाब सिंह बिकम एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन लाहौर दरबार पॉलिटिक्स ये लाहौर दरबार का जो पॉलिटिक्स चल रहा था उसका एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल फिगर बना ट्रीट ऑफ अमृतसर मैंने ऑलरेडी अभी आपको बोला भी है ऊपर लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा मार्च सिक्सटीन नाइनटीन फोटी एटीन फोर्टी सिक्स याद रखना है इज रिगार्ड एज द रेड लेटर डे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा विच डे इज़ कंसिडर्ड एज रेड लेटर डे सिक्सटी मार्च आपको सीधे टिक करना है एटीन फोर्टी सिक्स जे कि एस एस बहु पूछ लेगा नॉट ओनली इन द लाइफ ऑफ द महाराजा गुलाब सिंह बट आल्सो इन द हिस्ट्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ना कि सिर्फ महाराजा गुलाब सिंह की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट डे था बट पूरी जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट डे माना जाता था था. ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइन बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह ट्री ऑफ अमृतसर साइन होता है महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में होता है मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आप बोल सकते हो यू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाय दिस ट्रीटी गुलाब सिंह वॉज मेड द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इसी ट्रीटी के बेसिस पे गुलाब सिंह को जम्मू एंड कश्मीर का महाराजा बनाया गया एंड ऑल द हिली एंड माउंटेस कंट्रीज विथ इट्स इंडिपेंडेंसीचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द इंडस एंड द वेस्ट ऑफ़ द और जो भी हिली एरियाज़ थे वो भी माउंटेन एरियाज थे वो भी और बाकी जो ईस्ट इंडस का जो ईस्ट वाला साइड था वो भी और वेस्ट ऑफ द रावी रिवर जो भी uh, रिवर रावी का वेस्ट वाला पोर्शन वो भी इसको दिया गया था इन कंसिडरेशन ऑफ दिस ट्रांसफर महाराजा सिंह और इसके बदले महाराजा सिंह को क्या करना पड़ा महाराजा सिंह पे टू द ब्रिटिश महाराजा सिंह ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे किया है क्या समी फाइव लैक नानक शाही रुपीज दस बाय द ट्रीट ऑफ अमृतसर अमृतसर की ट्रीट की वजह से क्या हुआ द फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वॉज डेड जम्मू एंड स्टेट कश्मीर कि, की जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की फाउंडेशन बनाई गई थी ठीक है क्लियर हो गया ठीक है अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे पास याद रखना है यहाँ पर डोगरा रूल डोगरा सिख रूल तो आपने पढ़ा डोगरा रूल और जम्मू एंड कश्मीर कैसे रहा फिर जब प्रिंसली स्टेट जब इन आ, आ, क्या बोल ट्रीट ऑफ अमृतसर के बाद की कहानी देखो 1846 और 1857 तक इन 11 सालों में क्या हुआ कौन रहा यहाँ पर अब गुलाब सिंह यहाँ का रूलर था महाराजा गुलाब सिंह लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ये याद हो गया उसके बाद इन आर्डर टू गेन द एक्चुअल पोजिशन ऑफ कश्मीर ठीक है गुलाब सिंह हैड टू फाइट इट विथ इट आउट विथ शेख इमामुद्दीन द लास्ट गवर्नर ऑफ द कश्मीर ठीक है एक्चुअल पोजीशन लेनी थी कश्मीर की क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तो दिया गया था कि इसको महाराजा रंजीत सिंह को महाराजा गुलाब सिंह को लेकिन एक्चुअली मतलब इसको एक्वायर करना है इसको इसका मालिक आप बोल सकते हो ओनर आप बोल सकते हो एक्चुअल पोजिशन जो थी वो लेने के लिए यहां पर कश्मीर का उस टाइम का गवर्नर जो था उसका नाम था शेख इमामुद्दीन इसको इसके साथ फाइट जरूरी करनी थी क्योंकि यहां का तो गवर्नर लास्ट गवर्नर सिख गवर्नर जो था वो वो था याद रखना लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन था याद रखना हमेशा इसका नाम था शेख ठीक है एक्चुअली आप क्या ए, क्या बोलोगे कि बोलते उसको उसको दिया गया था महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर दिया गया था। बस अब वो उसी का था नहीं यहां पर उस टाइम था कश्मीर में इसके साथ इसको फाइट करनी पड़ी तो गुलाब सिंह है खासा लीडर था ही डाइड इन 1857. फिफ्टी 1857 इसके एटी फिफ्टी सैन में डेथ है और एटीन फिफ्टी सैन में क्या होता है रिवल्टी फिफ्टीन याद करो इंडियन हिस्ट्री एंड आफट्टर रूल आफ इसने ययर्स साल तक रूल किया, जूरंग विच पीरियड जूरिंग विच पीरियड ही लीड द फाउंडेशन ऑफ साउंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इसने अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर सेटप की थी द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज स्टैब्लिड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स बाउंड्रीज डिमार्केटेडेड और फिर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को इसके टाइम पर अच्छे तरीके से बनाया गया बाउंड्री बनाई गई है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बाउंड्री क्या क्या रहेगी ये सेट किया गया था इसी के टाइम पीरियड में ही रिऑर्गेनाइज द रिवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रिवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में रिओर्गेइज किया गया ही डिवाइड द स्टेट इंट थ्री प्रोविंस डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा महाराज गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को कितने प्रोविंसेस में डिवाइड किया वन टू थ्री फोर आपको तीन जम्मू कश्मीर लद्दाख एलोंग विद गिलगित लद्दाख याद तो नहीं ये गिलगित कन्फ्यूज़ नहीं है ना आप बोल के चार नहीं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को गिलगित के साथ रखा गया था इसलिए बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एलॉग विद गिलगित ठीक है उसके बाद कश्मीर प्रोविश वाज डिवाइड इनटू टू डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर डिस्ट्रिक्ट को सॉरी कश्मीर प्रोविंस को दो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया ठीक है कामराज और मराज दो तो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया जम्मू प्रोविंस जो था इसको डिवाइड किया गया था फोर डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू है आ, कोपाल है किश्तवाड़ है और जसरोटा है लद्दाख और गिलगित जो था ये दो फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स थे फ्रंट फ्रंटियर बना रहे थे बॉर्डर बना रहे थे बाकी स्टेट्स के साथ ठीक है ही इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ राशनिंग राशन दिया जाता है लोगों को वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था किसने इंट्रोड्यूस सिस्टम जो था बेगार सिस्टम जो था ठीक है और उसको इसने रिफॉर्म लाए हैं चेंज लाए रिगेनाइज शावल इंडस्ट्री को रिओर्गेनाइज किया ही फाउंडेड ठीक है दरमर ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जिसका नाम है ट्रस्ट एंड टेम्पल्स इन श्रीनगर श्रीनगर जम्मू गवर्नर लिखा हुआ है कि में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा रूलर था जिसने विज, कौन सा गवर्नर जनरल था ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने कश्मीर में विजिट किया आपको बोलना है लॉर्ड हार्डिंग और किसके टाइम पीरियड में उस टाइम किसकी टाइम किसका रूल था यहाँ पर आपको बोलना गुलाब सिंह के टाइम पे ये डायरेक्ट ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पर इस पर स्ट्रेस ज़्यादा दे रहा हूँ इन फेबर नाइनटीन फिफ्टी एटीन फिफ्टी सिक्स फेबर एटीन फिफ्टी सिक्स में क्या हुआ महाराजा गुलाब सिंह इंस्टॉल इस सन इसने अपने बेटे को इंस्टॉल किया रणबीर सिंह एज अ रूलर ऑफ कश्मीर इसने डिक्लेयर किया कि महाराजा गुलाब सिंह ने डिक्लेयर किया कि मेरा बेटा रणबीर सिंह यहाँ का रूलर बनेगा एज़ ही ट वॉन्ेंट्रली टू दिक्यूडेड लाइफ और इसने वालेंट्रली आप रिज़ाइन आप बोल सकते हो कि इसने महाराजा गुलाब सिंह ने और उसने अपने बेटे को रखा फिर रणबीर सिंह आएगा 1857 से लेकर 1885 काफ़ी टाइम तक ये काम यहाँ पर करता रणबीर सिंह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनते हैं रणबीर सिंह सक्सेसर ऑफ हज फादर ये सक्सेसर था अपने बाप का जिसका नाम था महाराजा गुलाब सिंह ए एपेटर ऑफ आर्ट ये आर्ट जानता था लेटर्स ठीक है रणबीर सिंह इनकेज रिसर्च रिसर्च में इसकी महारत थी आप बोल सकते हैं इनक्रेज इसने किया एंड कनेक्टेड गुड लाइब्रेरी ऑफ संस्कृत पर्शियन मैंने लाइब्रेरी सिस्टम भी रखा था संस्कृत था उसमें पर्शियन था उसमें इट वॉज हिज़ टाइम इसके टाइम पीरियड में द रूल ऑफ कमांड इन द स्टेट रूल ऑफ कमांड था में। तो स्टेट में महाराजा रणबीर सिंह ट्राइड हिज बेस्ट टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट महाराजा रजीतर सिंह ने काफी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन रखी जाए किस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ही डिवाइड जम्मू प्रोविस्स इंटू सजारत डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एज पर महाराजा रनबीर सिंह इसने जम्मू प्रोविस्स को कितने वजारत में डिवाइड जम्मू को सात वजारत में डिवाइड किया था और कश्मीर को छः वजारत में कन्फ्यूज नहीं होना ही इंट्रोड्यूसड रिफॉर्म्स इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय इस्टेबलिशिंग थ्री डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स इसने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाए थे जिसमें तीन डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट जैसे कि सिविल रेवेन्यू और मिल्ट्री अफेयर्स लाए थे बहुत इंपॉर्टेंट है रिफॉर्म्स रिलेटेड टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या, क्या क्या किया इसने तीन डिपार्टमेंट्स सेटअप किया क्वेश्चन बनेगा महाराजा गुलाब सिंह ने क्या नाम है इसका महाराजा रणबीर सिंह ने आ, कितने डिपार्टमेंट्स स्टार्ट किए थे इस्टेबलिश किए हैं आपने बोला तीन डिपार्टमेंट्स जो कि डील एक सिविल डिपार्टमेंट एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एक मिलिट्री डिपार्टमेंट एन अटम्प्ट वाज मेड टू एसेज द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एट द दिक्सड रेट इसने लैंड रेवेन्यू को भी असेस किया था अमाउंट को सेट किया गया था एक फिक्सड रेट के बेसिस पे कि आपको इतना लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा द जुडिशल सिस्टम वॉज रिओर्गनाइज जुडिशरी के ऊपर भी रिओर्गनाइज किया गया था ही इस टू सरदार अदालत दो सरदार अदालत बनाए हैं इसने जिसको चीफ कोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता और एक रखा गया था श्रीनगर में और दूसरा अदालत रखा गया था जम्मू में इन फैक्ट द मेन क्रिमिनल कोड जिसको एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज रनबीर पैनल कोड है आर पी सी तो उस टाइम पे जो आ, क्रिमिनल कोड जो था एप्लीकेबल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में वो रणबीर पैनल कोड था विच वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज रेन उसके टाइम पीरियड में इसको इंट्रोड्यूस किया था रणबीर पैनल कोड जिसको आरपीसी बोला जाता है रणबीर सिंह स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ राहुल पंडित श्रीनगर काट रोड डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है राहुल पंडी श्रीनगर कार्ट रोड की कंस्ट्रक्शन किसने की थी आप स्टार्ट किसने की थी रनबीर सिंह ने पोस्टल सिस्टम वाज मेड मोर कॉम्पिटेंट पोस्टल सिस्टम को और बनाया गया था पोस्टल सर्विसेज को सेटअप किया गया था स्टार्ट किया गया था मोरी एंड श्रीनगर वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ठीक है उसके बाद टेलीग्राफिक लिंक्स भी इसके साथ जुड़े हुए थे बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड जम्मू एंड श्रीनगर देखो मुझे ये लिंक हो रहा है पता है किसके साथ जो आप गवर्नर जनरल आप पढ़ते थे ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उसमें से लॉर्ड डलोजी के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी रेलवे सिस्टम टेलीग्राफी सिस्टम तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ें लिंक हो रही इसके साथ कि सेम यहाँ पर भी उसने वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है पोस्टल सिस्टम्स ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो टेलीग्राफी सिस्टम तो इस तरीके से भी आप लिंक कर सकते हो ही टुक वेरियस मेजर्स टू प्रॉम्प्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री और भी लिए उसने ट्रेड और इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए स्टार्ट करने के लिए द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन भी इसने लाया वाज रिफॉर्मड यानी टैक्स ऑन शावल मैनुफेक्चरिंग वाज रिड्यूस्ड और टैक जो शावल मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री जो थी मैनुफैक्चरर्सल शावल शावल मैनुफैक्चरर्स जो थे जो शावल्स को बना रहे थे उनके ऊपर जो भी टैक्स था उसको कम किया गया है ठीक है रणबीर सिंह टुक पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इसने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया कि एजुकेशन को बढ़ाया जाए स्टेट में ही ओपनर्ड मैनी मकतब्स एंड पाठशाला बहुत सारे मकतब्स बहुत सारी पाठशालाज़ को बनाया गया था ए मैप ऑफ द वैली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का आ, मैप बनाया गया है एंड इट सराउंडिंग माउंटेन्स वॉज आल्सो प्रपेयर्ड और माउंटेन्स को भी प्रपेयर किया गया सॉरी सराउंडिंग माउंटेन्स को भी मेंशन किया गया मैप्स में ही कंस्ट्रक्टेड ए स्पलेंडेड मोनमेंट रघुनाथ कम टेम्पल कम्पलेक्स एट जम्मू इसने एक इम्पोर्टेंट मोनोमेंट बनाया है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रनवीर सिंह देखो आर से रनवीर सिंह आप से आर से आर से रणबीर सिंह और आर से रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है मान जो था इस, इसकी कंस्ट्रक्शन की थी रणबीर महाराजा रणबीर सिंह की डेथ जो हुई है वो 1885 हंड्रेड फाइव में इसकी डेथ हुई है प्रताप सिंह की बात करेंगे टाइम पीरियड याद रखना है। जेके एस कुछ भी पूछ सकता है इजी से इजी क्वेश्चन और आप फिर उसको गलत कर सकते हो तो इसीलिए माइंड में रखो बहुत इजी है ये बस हमेशा हिस्ट्री को स्टोरी के बेसिस पे पढ़ना है। स्टोरी के बेस पे पढ़ोगे आपके लिए बहुत इजी होगा महाराजा रणबीर सिंह वॉज सक्सीड बाय हिज सन प्रताप सिंह महाराजा रणबीर सिंह के बाद इसका जो बड़ा बेटा था एल्डर था उसका नाम था प्रताप सिंह यही इसका रूलर बन गया फिर एक्चुअली इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ही दैट द रियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट प्लेस जो रियल मॉडर्नाइजेशन जो थी जम्मू एंड कश्मीर की वो स्टार्ट हो गया था और बहुत सारे प्रोग्रेस किया गया था रिफॉर्म्स लाए गए थे महाराजा प्रताप सिंह रूल रूल्ड फ्राम महाराजा प्रताप सिंह ने एटीन ऐटी फाइव से लेकर नाइनटीन टवेंटी फाइव तक रूल किया चालीस साल तक रूल किया वेन महाराजा प्रताप सिंह एसेंडेड दून एटीन हंड्रेड एटी फाइव जब इसने जो है सल्तनत संभाल लिया बोल सकते हो या रूलर बनाए एटीन हंड्रेड एटी फाइव में द ब्रिटिश इमिजिएटली अपॉइंटेड द फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर इन द स्टेट और उस टाइम पर जो ही महाराजा प्रताप सिंह रूलर बना किसका जम्मू एंड कश्मीर का तो ब्रिटिश ने क्या किया है ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ने क्या किया कि पहला रेजिडेंट कमिश्नर जो है स्टेट में लगा दिया था एंड रेजिडेंसी वाज आल्सो इस्टेबलिश और एक रेजिडेंसी भी बना ली थी इन श्रीनगर इन स्पाइट ऑफ महाराजाज अपोजिशन क्योंकि महाराजा अपोज भी कर रहा था बट स्टिल ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया रेजिडेंसी भी बनाई सर वेल्टर लावरेंस कैरीड द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू सिस्टम इन द स्टेट ऑफ ऑन साइंटिफिक लाइन्स सर वेल्टर लावरेंस ने क्या किया कि पहला असेसमेंट किया था लैंड रिवेन्यू सिस्टम में बेगार सिस्टम को एबॉलिश किया गया था डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बेगार सिस्टम को जो या फोर्स लेबर इसको किया गया था किसके टाइम पीरियड में किसके टाइम पीरियड में प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में ये भी इंपॉर्टेंट है देखो जाहलिम वैली कार्ट रोड ठीक है वैली कार्ट रोड फ्रॉम कोहाला टू बारामूला कोहाला से बारामूला तक एंड देन टू श्रीनगर वाज कंप्लीट ये इसी ने कंप्लीट किया है बानिहाल कार्ट रोड जो था विच कं, कनेक्टेड श्रीनगर विद जम्मू बानिहाल काट रोड जो श्रीनगर को जम्मू के साथ कनेक्ट कर रहा था इसको भी ओपन किया गया था पब्लिक के लिए 1922 में डायरेक्ट याद रखना इस डेट को द सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन जो सियालकोट से लेकर जम्मू तक एक रेल लाइन बनाई गई थी जो लिंक कर रहा था जम्मू को विद ब्रिटिश इंडिया ठीक है ब्रिटिश इंडिया के साथ जम्मू को लिंक करा था 1890 में एंड नेटवर्क ऑफ रोड्स रोड लेट एक रोड नेटवर्क भी बनाया गया था टेलीग्राफिक लाइन वायर एक्सटेंडेड टू तो ऑल इंपॉर्ट टाउन इंपॉर्टेंट टाउन के साथ टेलीग्राफी को भी कनेक्ट किया जम्मू एंड श्रीनगर वायर कनेक्ट बाई टेलीफोन जम्मू से श्रीनगर तक आप फोन कर सकते थे या श्रीनगर से जम्मू तक फोन कर सकते थे महाराजा प्रताप सिंह अंडर टुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरगेशन कैनाज महाराजा प्रताप सिंह ने कंस्ट्रक्शन किए हैं बहुत सारी इरगे कनाल्स प्रताप कनाल अपर जालिम किनाल रनबीर किलॉ एंड ओच कनाल तो डायरेक्ट याद रखना इन कैल्स का नाम ही

इसने क्या किया है रिपेयर किया है जो भी एग्जिस्ट जो ऑलरेडी उस टाइम पे केनाल्स थे उनके ए, 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 उनको रिपेयर करना भी शुरू कर दिया उनको रिपेयर करने की कोशिश की थी ए न्यू फ़्लड कंट्रोल स्कीम को भी इसने इंट्रोड्यूस किया ऑफ ड्रेजिंग ऑपरेशन वाज अंडरटेकन मतलब जो फ्लड कंट्रोल स्कीम फ्लड को कंट्रोल करने के लिए इसने स्कीम लॉन्च की थी जिसमें ड्रेजिंग ऑपरेशन की जाती थी मतलब जो पानी में जो मिट्टी विटी होती थी कैनाल में मिट्टी उनको बाहर निकालना द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट मोहरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मोहरा में भी कमीशन किया गया था

लैंड आप बोल सकते हो एक उसके लिए एक मॉडल भी बनाया गया था श्रीनगर में फॉर स्प्रेड ऑफ नॉलेज अबाउट द दाइटिफिक मैथड्स कल्टीवेशन सो दट साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन भी किया जाए सीरियस एफर्ट्स वर आल्सो मेड टू इंप्रूव द हॉटिकल्चर एंड द फॉरेन एक्सपर्ट्स वर एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज़ बहुत सारे एफर्ट्स भी लाए गए थे हार्टीकल्चर मतलब फ्रूट्स व्यूट्स की अगर हम बात करेंगे फ्लावर्स फ्रूट्स ठीक है उनको भी इम्प्रूव किया गया था एंड फारेन एक्सपर्ट्स वर एम्प्लॉयड और इसके लिए क्या कि फॉरन एक्सपर्ट्स को लाया गया कि हार्टीकल्चर सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग को भी सेटअप किया गया था सोलर माइनिंग इंडस्ट्री को हम बना सकते हैं एफर्ट्स आर मेड टू इंप्रूव कल्चर जो सिल्क वर्म्स की प्रोडक्शन थी उसको भी इंप्रूव किया गया है इन ऑर्डर टू गेट क्वालिटी ऑफ कोकोन कोकोन या सीड्स मिलेंगे ठीक है सीड्स आर इम्पोर्टेड फ्राम इसके कोकोन्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए सीड्स को इटली और फ्रांस से लाया जाता था सिल्क फैक्ट्री भी बनाई गई थी आपको पता है सिल्क फैक्ट्री रोड है जो सालना जहाँ पर जेके पी एस सी का ऑफिस है उसी रोड को बोला जाता है सिलिक फैक्ट्री रोड एक सिल्क फैक्ट्री भी बनाई गई थी कहाँ पर श्रीनगर में एंड विथ इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और कम अरसे में इट अटेड द डिस्टिंक्शन ऑफ बींग वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स इन द वर्ल्ड और बहुत कम टाइम पर वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट सिल्क फैक्ट्री बन गई थी उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह लेड्स स्पेशल एम्फाइसिस ऑन द स्प्रेड एजुकेशन एजुकेशन के ऊपर भी इसने काम किया प्राइमरी स्कूलिंग जो थी वो फ्री में की गई थी लेटर ऑन वन डिग्री कॉलेज फर्स्ट डिग्री कॉलेज बनाया गया था ईच एट श्रीनगर श्रीनगर में एस पी कॉलेज जिसको बोलते हुए श्री, श्री प्रताप कॉलेज जिसको एस पी कॉलेज के नाम से जानते हैं नाइनटीन जीरो फाइव में एक एक डिग्री कॉलेज बनाया गया था ठीक है वन डिग्री कॉलेज ठीक है एक डिग्री कॉलेज बनाया गया था ईच एट श्रीनगर एक श्रीनगर में और एक जम्मू में जम्मू में कौन सा बनाया गया था प्रिंस वेल्स कॉलेज नाइन जीरो सेवन में वायर इस्टेब्लिश सो दैट हायर एजुकेशन की डिमांड्स को फुलफिल किया जाए द वर्ल्ड फेमस हाउस बोट को कंस्ट्रक्ट किया गया था जूरिंग हिजरीन इसके टाइम पीरियड में हाउस बोट्स को भी बिल्ड किया गया था महाराजा प्रताप सिंह लेट एम्फाइसिस ऑन इंप्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बनाई गई थी उसके बाद मॉडर्न हॉस्पिटल्स को भी महाराजा महाराजा ने बनाया था किसने महाराजा प्रताप सिंह ने महाराजा प्रताप सिंह की बात बाद जो है वो था हरि सिंह हरि सिंह याद रखना क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है हरि सिंह ये नेफ्यू था प्रताप सिंह का बेटा बेटा, बेटा नहीं नेफ्यू था एंड द सन ऑफ हिज यंगर ब्रदर ठीक है और ये क्या था जो इसका यंगर ब्रदर उसका बेटा था हरि सिंह जो था ये प्रताप सिंह का जो बाई था उसका बेटा आप बोल सकते हो अमर सिंह का बेटा आप बोलोगे बिकम द रूलर ऑफ महाराजा प्रताप सिंह क्वेश्चन बनेगा हरि किसका बेटा है आप डायरेक्ट सारे बच्चे करेंगे कि क्या बोलते हैं उसको प्रताप सिंह के बाद हरि सिंह आया तो ये हरि सिंह जो था ये प्रताप सिंह का बेटा नहीं हरि सिंह जो था ये इसका भाई का बेटा था मतलब अमर सिंह का बेटा था ठीक है थीके? और ये जो है, आ, बिकम द रूलर ऑफ महाराजा बिकम द रूलर ऑन महाराजा प्रताप सिंह डेथ इन नाइनटीन जब महाराजा प्रताप सिंह की डेथ हो गई तो फिर रूलर जो बना वो हरि सिंह बना ठीक है ऐसा क्यों हुआ क्यों इसने बनाया अपना भाई जो था उसके बेटे को क्यों बनाया था रूला क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह जो था उसका कोई अपना बेटा नहीं था ठीक है हरी सिंह हैड ऑलरेडी बीन द कमांडर इन चीफ ही ऑलरेडी कमांडर इन चीफ था 1915 से ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में कमांडर इन चीफ था ही इंट्रोड्यूस लॉज ऑफ़ प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज इसने बोला बच्चों की शादी को रोकना पड़ेगा एंड ओपनड प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू ऑल और इसने बोला कि आप वर्शिप कर सकते हो सब लोग वर्शिप कर सकते हैं जिसको मर्जी है करो इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ ए पर्सन क्या स्टेटस हैं क्या नहीं है ही फास्ट ऑफ इमोरल ट्राफिक इन वुमेन रेगुलेशन जो भी वुमेन ट्राफिकिंग हो रही थी उसके ऊपर इसको सप्रेस किया रोक दिया पॉली एंड्री वाज प्रेलेंट एमअ बुद्धिस वायर बेनर, जो पॉली एंड्री थी ये बुद्धिस में काफ़ी ज़्यादा ये था उसको इसने बैन किया गया हरी सिंह ओपन लार्ज नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज इन द स्टेट डिस्पेंसरीज बनाई गई थी स्टेट के अंदर एंड मेनी स्कीम्स फॉर एरेडिकेशन ऑफ एपेडमिक्स जो भी बीमारी होती थी, थी उस बीमारी को हटाने के लिए बहुत सारी डिस्पेंसरीज बनाई गई थी इन ऑर्डर टू बूस्ट एजुकेशन एजुकेशन के रिलेट इसने क्या काम किया हरी सिंह पास द कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इन ऑर्डर टू बूट एजुकेशन कम्पल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वाज पास बाई द फॉलोइंग रूलर ऑफ कबला हरी सिंह ने प्रायमरी स्कूल वायर ओपनड इन लार्ज नंबर्स प्रायमरी स्कूल को बहुत नंबर्स में ओपन किया गया था बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स को खोला गया था 1945 तक देयर वर ठीक है एंड बाय एंड बाय द एंड ऑफ 1945 और अगर हम देखेंगे 1945 तक 20728 चाहते प्राइमरी स्कूल, स्कूल स्टेट में महाराजा हरी सिंह अपॉइंटेड डायरेक्टर अपॉइंटेड एट डायरेक्टर फॉर स्कूल एजुकेशन महाराजा हरी सिंह ने अपॉइंट किया स्कूल डायरेक्टर को स्कूल का जो डायरेक्टर होता है एजुकेशन का डायरेक्टर जो होता है उसको भी अपॉइंट किया महाराजा हरी सिंह ने एंड स्टेप्स आर टेकन टू प्रमोट हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर वायर इस्ट जम्मू एंड कश्मीर बैंक को भी नाइनटीन थर्टी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जे एंड के बैंक मैं बात नहीं कर रहा हूँ आर बी आई की मैं बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर बैंक नाइनटीन थर्टी एट में इसका हेड ऑफिस श्रीनगर में रखा गया था उस टाइम पर ज्यूरिंग हिज रूल इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ टेलीफोन टेलीग्राफ वायरलेस लिंक्ड इंपॉर्टेंट प्लेस ठीक है Uh, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस को कनेक्ट किया गया था टेलीफोन टेलीग्राफी ठीक है इनसे हरी सिंह कॉन्स्टिट्यूटेड ए हाई कोर्ट 1929 में जम्मू एंड कश्मीर में कोर्ट भी बनाया गया था वो हरी सिंह ने किया था महाराजा हरी सिंह आल्सो इशूड एन ऑर्डर विच प्रोवाइडेड स्टेट सब्जेक्ट्स टू द मुल्क इस दैट इज़ ऑफ जो भी जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट जो थे जैसे हम आर्टिकल टू से पहले पहले अगर हम बात करें हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट हर एक को होते थे ना जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट मतलब हम वो विप्रेजेंट रिप, क्या कर रहा था वो ये दिखा रहा था हम जम्मू एंड कश्मीर के रेज रेजिडेंट थे तो उसके बाद हमें दिए जाते थे स्टेट सब्जेक्ट ठीक है ऑन अक्टूबर ट्वेंटी आज हमारे पास जो है डोमिसाइल है ऑन अक्टूबर ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर में क्या हुआ नाइनटीन फोटी सिक्स महाराजा हरीत सिंह साइनड द इंस्ट्रोमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ द स्टेट टू इंडिया एंड डिजिग्नेटेड हिज सन डॉ करण सिंह एज हज रेजिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेट भी इंपॉर्टेंट है कि ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर को क्या हुआ नाइनटीन फोटी सिक्स में जो महाराजा हरी सिंह था इसने एक एक्सेशन साइन किया है किसके साथ आपको ना, इसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ तो एक्सेशन किसके साथ साइन किया है जो इंडिया के स्टेट के साथ क्योंकि उस टाइम जो था ये प्रिंसली स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर महाराजा के कंट्रोल में था तो उस महाराजा ने महाराजा हरि सिंह ने फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ तो एक्सेशन साइन किया था और इंडियन गवर्नमेंट के साथ और उसके बाद इसका बेटा जो था करण सिंह को यहाँ का एजेंट बनाया गया था उसके बाद शेख अब्दुल्ला भी रूलर रहा था जम्मू एंड कश्मीर का स्टे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसकी बर्थ जो हुई थी पाँच दिसंबर नाइनटीन जीरो फाइव देखो अब आप बोलोगे सर ये नहीं पड़ेगी इसके रेलिवेंस नहीं है एग्जामिनर को रेलिवेंस का मसला नहीं होता एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाने होते हैं वो कहीं से भी बना सकता है इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री का पार्ट है तो एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है जानबूझ करके बच्चे सोचेंगे आज इसकी रेलिवेंस उतनी नहीं है ठीक है बट ये हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो याद रखना शेख मोहम्मद अब्दुल्लाज बॉर्न पांच दिसंबर याद रखना नाइनटीन जीरो फाइव सोलह मई इसकी पैदायश हुई ही वाज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंगश लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक इंपॉर्टेंट लीडर था जम्मू एंड कश्मीर का और इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया था प्ले किया था जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में हिज नेवर से डाई एटीट्यूड इसका कहना था नेवर से डाई एटीट्यूड अर्नड हिम द टाइटल ऑफ शेर कश्मीर क्वेश्चन बनेगा शेर कश्मीर का टाइटल किसको मिला है आपको बोलना है वो था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को ही एजुटेटेड अगेंस्ट द रूल ऑफ महाराजा हरी सिंह जो महाराजा हरी सिंह का रूल यहाँ पर चल रहा था उसको इसका अगेंस्ट था एंड अर्जड सेल्फ रूल फॉर कश्मीर ये बोल रहा था हम खुद रूल चलाएँगे कश्मीर का शेख अब्दुल्ला वाज द फाउंडर एंड द मोस्ट प्रोमिनंट रूलर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस एन सी का एक इंपॉर्टेंट लीडर था जिसने एन सी की फाउंडेशन डाली थी ही सर्वड थ्राइस एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये हेड था गवर्नमेंट uh, का आप बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये प्राइम मिनिस्टर था जम्मू एंड कश्मीर का आफ्टर इट्स एक्सेशन टू इंडिया इन नाइनटीन फोर्टी सेवन ठीक है जब एक्सेशन हुआ था इंडिया का किसके साथ इंडिया के साथ उसके बाद ही तीन इसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था कहाँ का चीफ मिनिस्टर नहीं प्राइम मिनिस्टर याद रखना कंफ्यूज नहीं होना शेख अब्दुल्ला वाज एडमायर्ड फॉर हिज लॉन्ग लाइफ स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस ये माना जाता है कि जो इसने स्ट्रगल की थी अगेंस्ट इनजस्टिस जो चल रहा था एंड फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर कॉमन मैन जो कॉमन लोगों के लिए राइट्स होने चाहिए थे डेमोक्रेटिक दिमो, राइट्स होने चाहिए थे उसके लिए इसने स्ट्रगल की थी ही वर्क टायरलेसली फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ पीपल एजुकेशन हेल्थ केयर इस्टेबलिशमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द स्टेट इसने काफ़ी अच्छी आ, जो लड़ाई लड़ी थी लोगों के लिए एजुकेशन के लिए हेल्थ के लिए और ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट में स्टेट के लिए ही इनएड द मोस्ट रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म इसने एक लैंड रिफॉर्म लाया था जिसको बोलते हैं हम लैंड लैंड टू टिलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म लैंड टू टिलर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये लैंड टू टिलर जो था ये लाया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हिज बायोग्राफी इसकी जो बायोग्राफी थी वो उर्दू में थी जिसका नाम क्या था आतश चनार ये बायोग्राफी थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वाज रिटन बाय नोटेड कश्मीरी ऑथर इसको लिखा था एक ऑथर ने कश्मीरी ऑथर ही था जिसका नाम था एम तेंग ठीक है एम वाई तेंग ने लिखा था एंड वाज पब्लिश्ड आफ्टर शेख अब्दुल्ला डेथ हुई थी उसके बाद इसको पब्लिश किया था 8, ही वाज पास्ट ऑन सितंबर एट इसकी डेथ जो हुई एट नाइनटीन ऐटी फाइव में नाइनटीन टू में ये होगी आपकी जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री सारी कंप्लीट सारी कंप्लीट सारी मतलब फिनिश किया हमने इस सारी चीज़ को आई होप आपको समझ आया होगा अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री समझ में आ गई बोलो यस सर हमें ये पूरा समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करा ये मैं आपको तीन चार दिन पहले ही कंप्लीट करता लेकिन मुझे एनर्जी नहीं थी मुझे कंप्लीट रेस्ट था बिल्कुल एंड फोकस से नहीं बन रहा था तो आज मैं थोड़ा सा रिकवर हो रहा हूँ तो इसलिए मैंने जो है बनाने की कोशिश की थी तो और आई होप ये कंप्लीट भी हो गया आपका पीडीएफ ऑलरेडी शेयर है वही सर टेलीग्राम चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को भी हिट करो और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना हमें आपको कैसा लगा बाकी सेशंस को भी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए फिर एफ को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी